कोई क्वेश्चन हमने जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करा हो हमने? नो सर, शायद नहीं किए थे। नहीं किया है। चलिए तो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लो सो दैट यू कैन अप्लाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेर एवर रिक्वायर्ड। उसके बाद फिर फर्दर हम लास्ट केस के टॉपिक्स करके खत्म करते हैं इसको, ठीक है? तो चलो लेट अस कंप्लीट दिस चैप्टर नाउ, बहुत हो गया। तो देखो आई एम हैविंग दिस क्वेश्चन के मान लीजिए इट्स अ डिस्क एंड दिस डिस्क इज मेड टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। इस डिस्क को हम घुमा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना रोटेटिंग टेबल, तो ये वैसा ही कुछ है। इट्स अ रोटेटिंग डिस्क व्हिच इज रोटेटिंग एंड वी हैव अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन दिस डिस्क एंड द रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज आर। ठीक है, पार्टिकल का मास मान लो कि एम है और इस डिस्क और पार्टिकल के बीच का जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है लेट दैट बी म्यू। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द डिस्क इज म्यू और डिस्क का जो रेडियस है वो आर है, आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। अब क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है, हमारा पॉइंट यहाँ पर जो डिस्कशन हमें करना है वो पॉइंट क्या है? तो वो पॉइंट हमारा ये है कि सर इस केस में अगर हम डिस्क को रोटेट करा रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग द डिस्क टू रोटेट, तो अगर इफ यू आर मेकिंग द डिस्क टू रोटेट तो ऑब्वियसली बात है आपने कई बार देखा होगा कि अगर मैं इसको बहुत स्लो स्लो घुमाऊं, आप किसी रोटेटिंग टेबल पे यू प्लेस सम ऑब्जेक्ट एंड जस्ट मेक द टेबल रोटेट विथ अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो पार्टिकल है या जो ऑब्जेक्ट है विच इज केप्ट ऑन द रोटेटिंग टेबल विल रिमेन देयर ओनली, राइट? इट विल नॉट फॉल ऑफ द टेबल। बट अगर आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करो तो यू विल ऑब्जर्व दैट एट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग टेबल द पार्टिकल केप्ट ऑन इट विल फॉल ऑन द सर्फेस। कभी देखा है आपने, ऑब्जर्व करा है? Yes, sir. ये तो शायद क्वेश्चन करा नहीं, नहीं करा है, दो मिनट हो गया। Yes. चलिए सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि ब्लॉक इज केप्ट ऑन द डिस्क एंड द डिस्क इज मेड टू रोटेट। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप इस डिस्क को इफ यू रोटेट इट विद अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तो यू विल ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट विल नॉट फॉल ऑफ द डिस्क, इट विल रिमेन स्टक टू द डिस्क। बट अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो अल्टीमेटली यू विल ऑब्जर्व दैट दिस ऑब्जेक्ट विल फॉल ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि यहाँ पर कि भाई व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी फॉर विच द ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन इट डजंट फॉल ऑफ द डिस्क। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, find the maximum value of angular velocity of the disk for which object does not fall off the disk, object does not fall off the disk, find the maximum angular velocity of the disk for which object does not fall off the disk। likh liya aap logon ne? Yes sir। theek hai, to chalo isko main do tarah se solve karunga।
और दो तरह से सॉल्व करने का मतलब हमेशा ये समझिए कि जब इस तरह के क्वेश्चंस को दो तरह के सॉल्व करने का मतलब है कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मैं सॉल्व करूंगा। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो इट विल बी द डिस्क इटसेल्फ, और दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा दैट वुड बी द ग्राउंड। मतलब एक बार मैं इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, एंड इन द सेकेंड केस आई विल सॉल्व द सेम प्रॉब्लम सिटिंग ऑन द डिस्क। डिस्क पे बैठ के अगर हम ऑब्जर्व करें तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में I'll solve the same question and you have to understand. मतलब यह है कि एक बार centripetal force लगा के हम इस question को solve करेंगे और एक बार हम centrifugal force apply करके इस question को हम solve करेंगे, ठीक है? तो पहले हम solve करेंगे this question with respect to the ground, with respect to ground. तो एक बात तो बेटे obvious है, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, एक बात तो obvious है कि जब तक this object doesn't falls off the disc, मतलब जब तक ये object इस disc से नीचे नहीं गिर रहा है। अगर आप ग्राउंड पे बैठ के देखेंगे तब तक तो आप यही कह सकते हैं ना कि ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर मोशन है। बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्क से नीचे नहीं गिरा तो अनडाउटेडली इट विल गो ऑन द सर्कुलर पाथ विद द डिस्क। से समथिंग। यस सर। तो इसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, और इसका मोशन अगर सर्कुलर मोशन है तो देयर मस्ट बी सम फोर्स प्रोवाइडिंग इट अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर फ्रिक्शन इज दैट फोर्स, बिकॉज हियर नो स्प्रिंग इज अटैच्ड टू इट, नो स्प्रिंग कनेक्टेड टू द ब्लॉक, तो ऑब्वियसली बात है कि टेंशन तो नहीं है यहां पर। देखो यहां पर फ्रिक्शन विल प्रोवाइड इट अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका लॉजिक अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो कि अगर ये डिस्क से स्लिप करके नीचे गिरेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये ब्लॉक और डिस्क के बीच में देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन। नहीं आई बात समझ में? देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपको समझाता हूँ। लेट मी स्विच ऑन माय वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई ये डिस्क है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट अस से कि दिस इज द ऑब्जेक्ट विच आई एम कीपिंग इट ऑन द डिस्क। एक मिनट रुकना, ये डिस्क है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये घूम रहा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट साथ साथ घूमे, इफ इट कैन गो विद द डिस्क, इट कैन गो ऑन द सर्कुलर पाथ विद द डिस्क, तो मैं ये कहूंगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्क। मतलब ऑब्जेक्ट और डिस्क में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा अगर ये ऑब्जेक्ट मूव्स विद द डिस्क इटसेल्फ। अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्क। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। बट अगर मान लो ये डिस्क ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये डिस्क ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और ये बाहर की तरफ स्लाइड करे, ये ऐसे जा रहा है, डिस्क ऐसे जा रहा है और ये बाहर निकल रहा है, तो अनडाउटेडली देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्क। और आपको पता है कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? तो अनडाउटेडली फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेटिव मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है। तो फ्रिक्शन को एक बात पता है कि अगर फ्रिक्शन ने ब्लॉक को या ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अगर प्रोवाइड नहीं किया तो ब्लॉक और डिस्क के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस ब्लॉक विल फॉल ऑफ द डिस्क। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द ब्लॉक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स सो दैट दिस ब्लॉक कैन गो विद द डिस्क, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर मैं ग्राउंड पे बैठा हूं एंड ब्लॉक फॉल नहीं कर रहा है डिस्क से, तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्राउंड पे बैठ के मैं ये कह सकता हूं कि ब्लॉक का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है एज लॉन्ग एज इट डजंट फॉल्स ऑफ द डिस्क, ठीक है? तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ विल बी इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, बिकॉज ये जो डिस्क घूम रहा है ये सर्कुलर पाथ पे, उसका रेडियस आर है विच इज मेंशन इन द क्वेश्चन, और ओमेगा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैंने किसी इंस्टेंट पे ये ओमेगा की वैल्यू को ओमेगा मान लिया जिसको हम फाइंड करेंगे। आपको मालूम है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू एन। अच्छा सर, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्यों यूज करेंगे हम यहाँ पर? तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि आपसे बोला है उसने कि डिस्क का मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी बताओ फॉर विच दिस ब्लॉक डज नॉट फॉल ऑफ द डिस्क। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जब डिस्क का होगा तो फ्रिक्शन भी अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, राइट? तो इसीलिए हम फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमसे मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पूछी है डिस्क। यस
सर इसमें मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना क्योंकि मतलब रिलेटिव नो 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 इट विल नॉट बी काइनेटिक फ्रिक्शन बिकॉज़ इट इज नॉट स्लाइडिंग पर सर रिलेटिव मोशन तो मतलब डिस्क कहां है रिलेटिव मोशन कहां है रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन तो तब होगा जब ये डिस्क पे स्लिप करके नीचे गिरे अगर ये डिस्क के साथ साथ रोटेट कर रहा है इसका मतलब डिस्क और ये ब्लॉक दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है yes, सर स्टैटिक होगा Yes, of course, it is static because it is not sliding on the disk. आप कहोगे सर ये घूम तो रहा है अरे वो घूम रहा है but there is no relative motion between the block and the disk. So if there is no relative motion, there will be no value of the kinetic friction considered, right? तब तो हम यही कहेंगे कि static friction is keeping the block stationary with respect to the disk. समझ गए? Yes, sir. और यहाँ पर static friction की भी कौन सी value लेंगे हम यहाँ पर? तो static friction की भी maximum value हमें consider करना है. The reason being कि भाई आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बताओ फॉर विच इट डजेंट फॉल्स ऑफ तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जब मतलब डिस्क का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन भी अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा भाई समझ गए आप बच्चों तो इसीलिए मैं यहाँ पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लूंगा म्यू एन एंड म्यू एन यहाँ पर म्यू एम जी लिखा जा सकता है सर क्यों क्योंकि अगर आप इस ब्लॉक को देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर n लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है mg तो n एंड mg विल बी बैलेंस्ड बाय ईच अदर बिकॉज़ नाइदर द ब्लॉक इज गोइंग अबव द डिस्क नॉर इट इज गोइंग बिलो द डिस्क तो ये तो तभी पॉसिबल है जब वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस्ड हो तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि म्यू एम जी विल बी सिंपली इक्वल टू एम इन टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर एम एंड दिस एम विल कैंसल आउट तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाई आर Or you can write omega is equal to under root of mu g divided by r. This is the value of angular velocity which will be maximum to keep the disk stationary. अब अगर यही question आप ground के respect में नहीं solve करके आप disk के respect में solve करो with respect to the disk. अब imagine करो अपने आप को कि you are sitting on the disk. तो अगर आप disk पे बैठे हो तो आपके लिए block क्या कर रहा होगा? Will it be going on the circular path or will it be at rest with respect to you if you are sitting on the disk? So rest. Think about it. ये सबको समझ में आया जो इस बच्चे ने बोला? भाई अगर आप disk पे बैठ गए तो disk पे बैठ के आपको circular motion block का नजर नहीं आएगा क्योंकि block का motion circular आपको नजर तब आएगा when you are observing this with respect to the ground. But when you are yourself sitting on the disk, so there is no relative motion between the disk and the block. So, जब कोई relative motion है ही नहीं, तो आपको move करता हुआ ये दिखाई भी नहीं देगा. नहीं आया, नहीं आया, नहीं. Everyone, please respond. ये बात ऐसे ही अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो. अगर आप train के अंदर बैठे हो and your fellow passenger is sitting next to you. ठीक है तो आप कहेंगे कि आपका जो फेलो पैसेंजर है ही और शी इज आल्सो एट रेस्ट बट इफ समवन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड तो ही विल क्लेम दैट कि एज द ट्रेन इज मूविंग तो एवरी पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन इज आल्सो मूविंग राइट लेकिन आप क्या कहेंगे आप कहेंगे कि बिकॉज आप क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे आप कहेंगे कि सर बिकॉज योर फेलो पैसेंजर इज नॉट चेंजिंग हिज पोजिशन इट मीन्स दैट योर फेलो पैसेंजर इज एट रेस्ट ही इज नॉट मूविंग राइट तो वैसे ही अगर आप डिस्क पे बैठ गए तो डिस्क पे बैठ के आपको बिकॉज यू ऑब्जर्व नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिस्क एंड दैट ऑफ द ब्लॉक तो आप कहेंगे कि आपका जो ये ब्लॉक है वो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क और विद रिस्पेक्ट टू यू बट हाँ अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपके लिए ब्लॉक इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर पाथ बिकॉज द डिस्क इज गोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड वन मोर टाइम तो आप क्या करें सर ग्राउंड पे बैठ के हम कह सकते हैं ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं क्या कहूंगा ध्यान से सुनो तो मैं ये कहूंगा कि इस पे एक तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर ठीक है अच्छा अब ग्राउंड पे बैठ के मैं फ्रिक्शन क्यों इधर मानूंगा उसका रीजन है क्योंकि अगर ये ब्लॉक स्लाइड करेगा ना बेटा किसी घूमती हुई चीज पे अगर ये ब्लॉक स्लाइड करे तो ये ब्लॉक विल स्लाइड अवे फ्रॉम द सेंटर सोचो ये गिरेगा तो ये राइट की तरफ स्लाइड करके भागेगा ना अगर डिस्क ऐसे घूम रहा है सोच के देखो डिस्क कैसे घूम रहा है ये ब्लॉक किधर जाएगा इस ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर इन विच डायरेक्शन डज द ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू स्लाइड तो ऑब्वियसली द ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू स्लाइड अवे फ्रॉम द सेंटर राइट तो उसको कौन अपोज कर सकता है तो ओनली फ्रिक्शन तो इसलिए फ्रिक्शन को हमने किधर लिया टुवर्ड्स लेफ्ट एंड बिकॉज यू आर सॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क
तो इसलिए आप यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लेंगे, यू विल बी टेकिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसका मतलब यू विल से दैट कि दिस फ्रिक्शन इज बीइंग बैलेंस्ड बाय योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. भाई सबको समझ में आया हो तो बताओ. यस सर. मतलब अभी भी बात वही है, इक्वेशन अभी भी वही बन रही है, बट इक्वेशन बनाने का तरीका बदल गया. भाई इस वाले केस में व्हेन वी वर ऑब्जर्विंग दिस ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड, तो आई वाज क्लेमिंग दैट फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ व्हेन आई एम सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क, तो मैं कहूंगा कि फ्रिक्शन इज बीइंग बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी सेंट्रीपिटल की होती है. तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, और फ्रिक्शन को अभी भी मैं मैक्सिमम अस्यूम करूंगा क्योंकि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी की बात पूछी गई है आपसे. तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, एम एंड एम विल गो एंड यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर एज इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय आर, एल्स यू कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाय आर. ठीक है, ये वैसे ही सॉल्व हो रहा है जैसे मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो लिफ्ट वाले केसेस मैंने समझाए थे आपको इससे पहले जब लॉज ऑफ मोशन में मैं बात कर रहा था. तो लिफ्ट वाले केस को भी मैंने दो तरह से सॉल्व किया था, विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड एज वेल एज विथ रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट इटसेल्फ, उसमें भी ऐसा ही हुआ था. इसका मतलब है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ के सॉल्व करो आप क्वेश्चन को बाई टेकिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और आप ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व करो बाय टेकिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, बट यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई दीज फोर्सेस. सेंट्रीपिटल लगाना है ग्राउंड पे बैठ के तो किधर लगाएंगे, और सेंट्रीफ्यूगल लगाना है बाय सिटिंग ऑन द डिस्क इटसेल्फ और रोटेटिंग फ्रेम इटसेल्फ तो किधर लगाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए. आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर टू ऑल. प्लीज नोट दिस डाउन. Please everyone note it down. Done, sir. Very good. चलो सर आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर फर्दर मैं आगे की डिस्कशन पे आता हूं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम. जो ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इसमें जो बेसिकली आपका जो ये अरेंजमेंट है इसको हम कोनिकल पेंडुलम भी कहते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड डोंट वरी. पहले तो आप ये समझें कि यहाँ पर फ्रॉम दिस पॉइंट अ पार्टिकल इज सस्पेंडेड हुज मास इज एम विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग व्हिच इज ऑफ लेंथ एल, एंड दिस इज मासलेस स्ट्रिंग अनडाउटेडली, एंड दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, दिस इज द पार्टिकल. अब पहले तो आप इसको विजुअलाइज करो. आई just switch on the video and I'll try to make you understand the arrangement. ये actually में अगर मैं particle को देखूं, ये string है और यहाँ पर particle लगा हुआ है. इस ये ऐसे ऐसे rotate कर रहा है, ये ऐसे ऐसे. Can you see this? Yes sir. मतलब ये ऐसे rotate, ऐसे घूम रहा है such that के string is always at an angle of theta with the vertical and it is going like this so that its particle is going in the horizontal circular path. क्या सबको समझ में आई है ये बात? प्लीज एक बार सब बोल दें. यस सर. ये जो पार्टिकल है वो स्ट्रिंग से जो बंधा हुआ पार्टिकल है, मतलब इस बात को आप ऐसे देख सकते हैं, मेरा फोन ना गिर जाए बस. ये स्ट्रिंग है, अगर ये वर्टिकल होती तो ऐसे होती, बट दिस इज एट सम एंगल थीटा एंड दिस पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस. तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और आपकी स्ट्रिंग इज ऑलवेज मेकिंग दिस एंगल थीटा विद द वर्टिकल. अब आपसे इसमें क्या पूछा जाता है तो मैं आपको बता देता हूं. इसमें बेसिकली अच्छा इसी पेंडुलम, इट इज ऑल्सो अ पेंडुलम बट दिस इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम. एक कोनिकल पेंडुलम यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है? एक और पेंडुलम होता है जिसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं. वैसे पेंडुलम के और भी टाइप होते हैं, टॉर्शनल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th का सिलेबस.
बट ये वाला जो पेंडुलम है, ये वाला पेंडुलम आपको यहां पर क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका रीजन है कि ये पेंडुलम का मोशन पीरियोडिक है, बस दिस मोशन इज ओनली पीरियोडिक बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी, मतलब इसका टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा गया इसका टाइम पीरियड बताओ, सवाल आपको समझ में आ गया क्या बोला गया है? क्योंकि बेटा अगर ये पार्टिकल घूम रहा है, इफ दिस पार्टिकल इज गोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ, तो आपको मालूम है कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही होगी ऑफ अ फिक्स रेडियस, तो वो बार बार उसको वो उसी पॉइंट पे पहुंचेगी जहां से उसने स्टार्ट करा है। तो एवरी टाइम इट रीचेस टू द सेम पॉइंट, इट विल टेक द सेम टाइम इन रीचिंग टू द सेम पॉइंट, एंड दिस टाइम विच इज ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट, ठीक है, दिस टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल reaches the to the same point where from it has started, this time is basically called as time period, right? इसी time को हम time period कहते हैं ना बच्चों? Yes. Yes. अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको pseudo force में समझा सकूं। इसको ग्राउंड से भी सॉल्व कर सकते थे, बट आप लोगों के लिए मैं विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल सॉल्व कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आई विल इमेजिन माई सेल्फ टू बी सिटिंग ऑन दिस पार्टिकल इटसेल्फ। मैं अपने आप को कहां पे इमेजिन कर रहा हूं? अरे क्या हो गई, मैं अपने आप को कहां पे इमेजिन कर रहा हूं? मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूं टू बी सिटिंग ऑन दिस पार्टिकल इटसेल्फ। मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूं टू बी सिटिंग ऑन दिस पार्टिकल इटसेल्फ। तो अगर मैं इसी घूमती हुई चीज पे बैठ जाऊं तो मुझे एक बात बताओ कि इस केस में विच फोर्स विल आई कंसिडर, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल? व्हाट डू यू से? सेंट्रीफ्यूगल लग गया। सेंट्रीफ्यूगल। पहली बात, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लीजिए अगर r है, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट दिस r, बिकॉज़ आपको इस बारी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ गिवन नहीं, आपको स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है, बट यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो हम इस रेडियस को फाइंड करेंगे, और कैसे फाइंड करेंगे? क्या हो गया पिन को मेरे? वेट अ मिनट बच्चों, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लो, बिकॉज आई हैव टू डिसकनेक्ट एज माई आईपैड इज नॉट वर्किंग, नाइदर माई पेन इज वर्किंग, तो आई हैव टू रीकनेक्ट। तो आप लोग पहले इस डायग्राम को नोट कर लो। नोटेड सर। इज इट नोटेड बाई ऑल ऑफ यू? Everyone has to respond, please. Yes, sir. Okay, so thoda sa wait karo. I'll have to reconnect as my iPad has stopped working. So dekhta hu main. ओके बच्चों, तो चलो फिर से कोशिश करते हैं कि भाई दिस वाज योर वर्टिकल एंड दिस वाज योर पार्टिकल एंड दिस इज योर पार्टिकल हेयर एंड दिस इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ सम रेडियस एंड दैट रेडियस वी वर सपोज टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ रेडियस बिकॉज ये जो रेडियस है वो आपको गिवन नहीं है, यू नो ओनली द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग बट यू डोंट नो द रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने के लिए आपको देखो इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल एज यू कैन सी,
this is a right angle triangle with this angle as theta and this as r and this as l. So undoubtedly मुझे radius चाहिए, मतलब perpendicular चाहिए, तो मैं sin theta लिख सकता हूँ. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. So r can be written as equal to l multiplied by sin theta. Is everyone agreed? Has everyone understood? Yes, sir. Okay, now we'll draw the forces acting on this particle. Just look at it. और मैंने बोला था कि I am sitting on the particle itself. और center इधर है, याद रहे. Center इसका इधर है. This is the direction of the center. तो इधर जो एक force लग रहा होगा, that would be tension. और ये वाला angle जो है यहाँ पर, that is your theta. So I'll resolve this tension because I have to get all the forces in the direction of the center or in the direction opposite to the center. तो यहाँ पर टेंशन को अगर हम रिजोल्व करें तो आई विल गेट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दैट टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट कंपोनेंट वुड बी पी साइन थीटा. इज इट करेक्ट? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वी हैव एमजी एंड बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन द पार्टिकल एंड पार्टिकल इज गोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ. दिस इज द पाथ ऑन विच द पार्टिकल इज गोइंग. सो आई विल हैव टू कंसीडर हियर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द सेंटर. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आप इधर लिखेंगे m into omega square r, where I don't know the value of omega and I have to find this omega. आप ये कह सकते हो सर omega हमें थोड़ी find करना है, we have to find the time period. Then why you are trying to find out the omega? Because आपको पता होना चाहिए, और ये मैं बता चुका हूं पहले भी, कि there is a relation between the angular velocity which is omega and the time period. Time period और angular velocity के बीच में, angular velocity और time period के बीच में हमें मालूम है कि देर इज अ रिलेशन. और व्हाट इज दैट रिलेशन? तो एक रिलेशन है जिसको हम कहते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी. तो इफ आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड. राइट? अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल लूं तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली निकल आएगा. तो देखिए, अच्छा एक बात और, इफ आई एम सिटिंग ऑन द पार्टिकल, अगर मैं पार्टिकल पे बैठ गया तो मेरे लिए इसका मोशन सर्कुलर मोशन है या मेरे लिए ये रेस्ट में है? आप लोग अपना दिमाग चलाओ, बताओ मुझे. ऑफ कोर्स, मैं अगर किसी भी चलते हुए या घूमते हुए चीज पे बैठ जाऊं, इफ आई एम सिटिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच वॉज इन मोशन और द ऑब्जेक्ट विच वॉज गोइंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, चाहे जैसा भी मोशन हो, इफ आई एम सिटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो फॉर मी दैट ऑब्जेक्ट विल बी स्टेशनरी. राइट? तो अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए स्टेशनरी है, तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस पे लगने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस्ड हों और वर्टिकल फोर्सेस भी बैलेंस्ड हों. मतलब हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल वाले से बैलेंस हो और वर्टिकल वाला फोर्स वर्टिकल वाले फोर्स से बैलेंस हो, तभी ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एट रेस्ट फॉर मी. राइट? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इन टू ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर. और हमें मालूम है सर आर की वैल्यू यहां पर क्या लिखा है आपने, तो आर की वैल्यू यू हैव रिटन इट एज एम इन टू ओमेगा स्क्वायर, आर यू हैव रिटन इट एज एल साइन थीटा. L sin theta and sin theta will cancel out. E will be written as equal to m omega square multiplied by L. This is one of the equation that I have got. The another equation we can find by just equating the forces in vertical direction, because in the vertical direction also the particle is at rest. So forces has to be balanced. So T cos theta can be written as equal to mg. Just put the value of T from the equation 1 to equation 2. Is value ko yahan se yahan rakh do. So T ki value is m omega square L cos theta, which will be equal to, undoubtedly it would be equal to mg. So m and m will cancel out. So yahan par main likh deta hun iske baad. So after doing this, we will get omega square as equal to g by L cos theta. Or you will get omega as equal to under root of g by L cos theta. And omega is what? So omega maine abhi bola tha aapse, 2 pi by T hota hai. So under root of g by L cos theta. Now from this you can finally find the value of time period. So time period will be equal to what? So time period udhar le jao, so this will be equal to 2 pi under root of L cos theta by g. This will be your result of the time period of this conical pendulum. Theek hai, please note it down. Ye result aayega.
Okay. So can I erase this, everyone? Yes. Okay, moving on. तो अब आखिरी के जो दो डेरिवेशन टाइप की चीजें हैं उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा सर्कुलर मोशन वाला. तो प्लीज राइट दैट सर्कुलर टर्न ऑफ अ कार. सर्कुलर टर्न ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड. सर्कुलर टर्न ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड. सर्कुलर टर्न ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड. अब देखो बेटा, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस अर्लियर आल्सो व्हेन वी जस्ट स्टार्टेड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. तो भी मैंने आपसे बोला था कि सर अगर हम इसकी बात करें सर्कुलर मोशन की, तो जब भी आप वेन एवर यू टेक सर्कुलर टर्न ऑन रोड, जब भी आप गाड़ी चलाते हो और सर्कुलर टर्न लेते हो रोड पे, तो आपको ये पता है कि भाई सर्कुलर टर्न जब हम रोड पे लेते हैं तो भी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है. और मैंने आपको बोला था कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, तो वो आपको फ्रिक्शन करता है. और फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द व्हीकल एंड द रोड प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? ये बताया था. तो देखिए बेटा, उसमें मैंने आपको ये भी समझाया था कि आपकी जो वैल्यू ऑफ स्पीड है या वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है, दैट कैन नॉट बी बियॉन्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू. अगर बहुत ज्यादा तेजी से आप सर्कुलर टर्न लेना चाहोगे तो फ्रिक्शन विल नॉट बी सफिशियंट टू प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इन दैट केस योर व्हीकल विल स्किड. मतलब आप स्किड कर जाएंगे, स्लिप नहीं बल्कि स्किड कर जाएंगे, ठीक है? तो सर बेसिकली अब हम ये पता करना चाहते हैं कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी विद विच वी कैन टेक अ सेफ सर्कुलर टर्न व्हाइल ड्राइविंग अ कार, ठीक है? कार को ड्राइव करते हुए हमारी परमिसिबल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितनी हो सकती है जिस पर हम सेफ सर्कुलर टर्न ले सकें. तो उसके लिए आप इस बात को ऐसे समझिए कि आपको कुछ चीजें थोड़ा सा इमेजिन भी करनी पड़ेंगी कि ये मान लीजिए कि आपका कोई कार है एंड दिस कार इज टेकिंग अ सर्कुलर टर्न. तो मैंने आपसे बोला था कि देयर विल बी अ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द रोड एंड द टायर्स, ठीक है? दिस इज द फ्रिक्शन, राइट? ऊपर हम ये कह सकते हैं कि देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द कार बाय द रोड एंड देयर विल बी अ एमजी, दैट इज द वेट ऑफ द कार एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड लेट अस से कि स्पीड ऑफ द कार इज वी, स्पीड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, स्पीड ऑफ द कार इज वी. तो हमें ये पता करना है कि भाई इस वी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू. और रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न हम मान लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न, इस सर्कुलर टर्न का रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न इज इक्वल टू आर. आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर टर्न. इस सर्कुलर टर्न का जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं कि आर. क्लियर है सर? यस सर. ठीक है, तो देखो हमें मालूम है कि भाई यहाँ पर जो फ्रिक्शन है दैट विल बी प्रोवाइडिंग अस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स विच कैन प्रोवाइड मी द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर. अब बिकॉज हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड फॉर विच वी कैन टेक अ सेफ सर्कुलर टर्न, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होना चाहिए. बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड एट विच आई कैन टेक अ सेफ सर्कुलर टर्न. तो भाई हमारी स्पीड अगर मैक्सिमम चाहते हो तो फ्रिक्शन भी तो मैक्सिमम लगेगा. तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन एंड म्यू एन कैन बी रिटन एज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर. फ्रॉम दिस वी कैन राइट एन को हम यहाँ पर एमजी लिख सकते हैं बेटा, एज यू कैन सी, बिकॉज कार आपका ना तो रोड से ऊपर जंप कर रहा है ना तो रोड के नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली वर्टिकली बैलेंस है. तो म्यू एमजी इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर. तो एम एंड दिस एम विल कैंसिल आउट, तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू जी मल्टीप्लाइड बाय आर. और v can be written as equal to under root of mu g multiplied by r. This is the maximum possible value of your speed at which you can take a safe circular turn for a road of radius r and having a coefficient of friction mu. ठीक है, ये आपका safe circular turn की ये speed है. And remember, this is the maximum value of speed. इससे ज्यादा speed हुई तो you will not be able to take the turn.
यू विल एस्केप, यू विल जस्ट एस्केप. ओके मूविंग ऑन. सब ने नोट कर लिया? कैन आई रेज प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन. यस सर. ओके लेट्स प्रोसीड नाउ. अब लास्ट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स, रोड्स की बैंकिंग. अब पहले तो अपन समझें कि बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब है. देखो जनरली जो नॉर्मल अपने जो लोकैलिटी के रोड्स होते हैं दे आर नॉट बैंक. बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड हम करते हैं रेसिंग ट्रैक्स, देखा होगा आपने जनरली मतलब वो टिल्टेड होता है किस एंगल पे. हाँ तो उसकी बैंकिंग की जाती है जनरली, क्योंकि वहां पर वाइल टेकिंग द सर्कुलर टर्न हमारी जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है. मतलब उसको आप बहुत कम नहीं कर सकते, वो आपकी ज्यादा ही होगी स्पीड. तो वहां पर हम रोड की बैंकिंग करते हैं बिकॉज फ्रिक्शन विल नॉट बी, फ्रिक्शन अलोन विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स. So every time a rider will take a circular turn, will have to skid. मतलब he will not be able to take a proper circular turn. He will skid. ठीक है, तो वो तो speed को कम कर ही नहीं सकता वहां पर और skid कर जाएगा. तो only friction will not be helpful. तो उस केस में हम क्या करते हैं, to support the friction, we require at least one more force towards the center, which along with the friction can provide me the necessary centripetal force to take a safe turn. ठीक है, तो उसके लिए रोड की बैंकिंग की जाती है. बैंकिंग का मतलब होता है कि एक साइड रोड का हम इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द अदर साइड. मतलब एक साइड थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं. आई बात समझ आए? आपका जो प्लेनर रोड होता है उसमें ये वाला एंड और ये वाला एंड सेम लेवल पे होता है, बट आपका बैंक्ड रोड का मतलब होता है कि एक एंड ऑफ द रोड और दूसरा एंड ऑफ द रोड आर नॉट एट द सेम लेवल. इनफैक्ट एक एंड ऑफ द रोड दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल से हम ऊपर कर देते हैं. ठीक है, इसी को हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं. क्या सबको बात समझ में आ गई? एंड यहाँ पर जो थीटा है दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग, और ये ऑफ कोर्स बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा हम ऊपर नहीं उठाते, बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल से हम इसको ऊपर करते हैं, बट ऊपर करते जरूर. मतलब इसका मतलब है कि दो एंड ऑफ द रोड आर नॉट एट द सेम लेवल, दे आर एट डिफरेंट लेवल्स. ठीक है, और इसी को हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं. क्या बात सबको समझ में आ गई है? इसको 3D में थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो. दिस इज द रेडियस ऑफ दिस ट्रैक. इस ट्रैक का जो रेडियस है वो आर है. ऑब्वियसली रेडियस विल बी, सेंटर विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट अगर हम ऐसे टर्न ले रहे हैं तो. अब इसमें मान लीजिए कि m इज द मास एंड म्यू इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. मतलब इसके बीच में जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है टायर और रोड के बीच में, बैंक रोड के बीच में, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. म्यू इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. क्लियर है? और इसका हम सर्कुलर टर्न ले रहे हैं. तो इस केस में हम क्या क्या करेंगे ध्यान से देखें आप. इस केस में हम करेंगे ये कि भाई नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा दैट वुड बी mg, और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा, वर्टिकली नहीं लगेगा, कुछ एंगल पे लगेगा बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है. तो ये नॉर्मल ऐसे लगेगा बिकॉज आपको मालूम है कि नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. अब यहां पर आप ऑब्जर्व करें तो हम इस नॉर्मल को, आई कैन रिजोल्व. इस नॉर्मल को मैं रिजोल्व कर सकता हूं, और कैसे रिजोल्व करूंगा ध्यान से देखें. ये नॉर्मल मैं रिजोल्व कर सकता हूं. ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल विल बी थीटा, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल हैज टू बी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. लुक एट दिस इफ यू हैव अंडरस्टूड. ये वाला जो आएगा कंपोनेंट दिस विल बी एन कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो एन साइन थीटा होगा. करेक्ट है भाई? यस सर. यस, तो नॉर्मल के अपोजिट वाला भी एन साइन एन कॉस थीटा हो जाएगा. नॉर्मल के अपोजिट वाला इन mg cos थीटा होगा, बट आइदर वी विल रिजॉल्व n और वी विल रिजॉल्व mg. अच्छा, यहां पर mg क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे हैं? बिकॉज़ अगर हम mg को रिजॉल्व करते तो mg का जो कंपोनेंट आता वो अलोंग द इंक्लाइन आता, सेंटर के अलोंग उसका कोई कंपोनेंट हमें नहीं मिलता. दैट इज व्हाई वी आर नॉट रिजॉल्विंग mg. डिड यू अंडरस्टैंड? शुड आई रिपीट दिस अगेन? फिर से सुनो.
mg को अगर आप रिजोल्व करोगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुनो भाई, mg को अगर आप रिजोल्व करोगे, mg ऐसे, mg का दो कंपोनेंट ऐसे आएगा ना बेटा, और आपका जो सेंटर है वो किधर है, सेंटर आपका इधर है, तो आर यू गेटिंग एनी कंपोनेंट ऑफ mg इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ और ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, उस लाइन पे आ रहा है क्या? नो सर. दैट इज व्हाई इन दिस केस वी आर नॉट रिजोल्विंग mg, रादर वी हैव रिजोल्वड व्हाट, वी हैव रिजोल्वड नॉर्मल रिएक्शन. इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड. यस सर. अब देखो आपके कार की स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर होगी, नीचे की तरफ है ना, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे, डाउन द इंक्लाइन आपका कार स्लाइड करना चाहेगा, तो अगर ये डाउन द इंक्लाइन स्लाइड करना चाहेगा तो आपका जो फ्रिक्शन है वो किधर लगेगा, फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, सोच के देखिए अगर आपको समझ में आए तो, ये बात सबको समझ में आई, फ्रिक्शन किधर लगेगा, अप द इंक्लाइन. क्यों लगेगा? क्योंकि आपके कार की टेंडेंसी किधर स्लाइड करने की है, डाउन द इंक्लाइन, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अप द इंक्लाइन. ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, तो दिस विल बी एफ कॉस थीटा, दिस विल बी एफ साइन थीटा. समझ में आया? इसका मतलब यहां पर फ्रिक्शन को भी रिजोल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है? देख लो भाई सारे, आप लोगों को समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं. यह आपका फ्रिक्शन है और इसके दो कंपोनेंट ऐसे आ रहे हैं, एक ऑपोजिट टू द सेंटर और एक इन कॉस थीटा की डायरेक्शन में. दिस विल बी एफ साइन थीटा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी एफ कॉस थीटा. इज इट क्लियर? प्लीज बताइए तो आगे बढ़ें. यस सर, क्लियर. तो अब देखिए इस वाले केस में चलो खेलते हैं. अब मैं ये कह सकता हूं कि एन साइन थीटा माइनस ऑफ एफ कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन का ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और n sin theta towards the center लग रहा है, इन दोनों फोर्स का जो डिफरेंस होगा that will provide you necessary centripetal force. देखो अगर आपको समझ में आया तो, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n sin theta minus of mu n times of cos theta is equal to mv square by r. देखिए प्लीज, वर्टिकल डायरेक्शन में फिर से सुनिए, आपका जो ये कार है उस कार पे टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रहा है एन साइन थीटा और ऑपोजिट टू द सेंटर जो फोर्स लग रहा है वो एफ साइन थीटा है, एफ साइन थीटा नहीं सॉरी एफ कॉस थीटा, ठीक है? अब आपको मालूम है कि अगर इफ वी हैव मोर देन वन फोर्स तो द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. नहीं आया भाई, अगर एक से ज्यादा फोर्स है तो एक से ज्यादा फोर्स का जो नेट आएगा वही तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. द नेट ऑफ दीज फोर्सेस विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. इज इट अंडरस्टूड? यस सर. यस, ठीक है. तो अब देखिए, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने बोला एन साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर. और वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में एक ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज एन कॉस थीटा, नीचे जो फोर्स लग रहा है mg और ऊपर एक और फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा. देखिए ये वाला और ये वाला विल बी बैलेंस्ड बाय mg. एन कॉस थीटा प्लस ऑफ एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू mg. डिड यू अंडरस्टैंड? एन कॉस थीटा प्लस ऑफ म्यू एन साइन थीटा can be written as equal to mg. देखो अगर आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई हो तो, दोनों बातें समझ में आई हैं. Yes sir. Yes sir. अब क्या करो, just divide 1/2. First equation को आप second equation से divide कर दीजिए. तो आपको क्या मिलेगा, n sin theta minus of mu n cos theta divided by n cos theta plus of mu n sin theta is equal to mv square by r divided by mg, and this m and this m will cancel out. यहां पर n common लेके ऊपर नीचे cancel कर सकते हो, तो देखो ये आ जाएगा sin theta minus of mu cos theta divided by cos theta
प्लस ऑफ म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। पहले यहां तक आप लोग नोट करें, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। ओके, लेट अदर्स आल्सो नोट। उसके बाद इसके आखिरी के स्टेप्स करते हैं। भाई सबने नोट कर लिया? यस सर, डन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी, क्योंकि हमारा मेन एम क्या था, यही तो फाइंड करना है हमें कि व्हाट कैन बी माय मैक्सिमम स्पीड एट विच आई कैन टेक अ सेफ सर्कुलर टर्न इवन ऑन द बैंक रोड। रोड की बैंकिंग भी कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अपनी मर्जी का स्पीड ले लें और आप सर्कुलर टर्न कर लें, ये पॉसिबल तो नहीं है। इसका मतलब है कि इस केस में भी देयर विल बी अ लिमिट ऑफ द स्पीड at which you can take a safe circular turn, तो उसी लिमिट की हम बात कर रहे हैं फिर से। तो उस लिमिट को फाइंड करने के लिए आप क्या करें सर, अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, डिवाइड ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, मैं लिख देता हूं, डिवाइड ईच टर्म ऑफ एल एच एस बाई कॉस थीटा। मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके सारे टर्म्स को आप किससे डिवाइड कर दो, तो सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म्स को यू जस्ट डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर आप सारे टर्म्स को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होएगा, तो चलो देखते हैं क्या होगा।
तो आप लिखेंगे सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इन द न्यूमरेटर पार्ट. डिनोमिनेटर पार्ट में क्या लिखेंगे सर आप? डिनोमिनेटर पार्ट में देखिए कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस ऑफ म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो गया, यहां पर भी कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो गया. एंड आपको पता है कि भाई साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा कैन बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है. ये आप सबको पता है, शायद पता है ना? Yes, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस ऑफ म्यू अपॉन वन प्लस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ tan थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी. तो अब देखो तो फाइनली यहां से आप क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टाइम्स ऑफ टेन थीटा माइनस ऑफ म्यू अपॉन वन प्लस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ टेन थीटा. तो वी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे का अंडर रूट हो जाएगा. तो या तो आप अंडर रूट लगा लो या पावर वन बाई टू लिख लो, दोनों का एक ही मतलब है. तो टेन थीटा माइनस ऑफ म्यू वन प्लस ऑफ म्यू टेन थीटा टू द होल पावर वन बाई टू. दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड at which you can take a safe circular turn on a banked road. अगर road की banking कर दी गई है तो ये वो maximum possible speed है जिस पर आप safe circular turn ले सकते हैं. ओके इसमें एक और चीज हो सकती है सर, आपको कभी क्वेश्चन में ये बोला जा सकता है कि बैंक रोड है एंड वी डोंट वांट एनी वियर एंड टियर इन द टायर्स. तो एक बात याद रखिए, वियर एंड टियर समझते हो या नहीं? मतलब हम ये नहीं चाहते कि टायर हमारा घिस जाए, खराब हो जाए, समझ रहे हो आप? इफ वी डोंट वॉन्ट एनी वियर एंड टियर इन आर टायर, टायर में हमें वियर एंड टियर नहीं चाहिए. तो याद रखो कि वो जो टायर है ना, टायर का सरफेस वो खराब इसलिए होता है बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से. अगर रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो तो जाहिर सी बात है गाड़ी ही फिर नहीं चल पाएगी. बट अगर रोड और फ्रिक्शन के रोड और टायर के बीच के फ्रिक्शन का एक इफेक्ट ये भी होता है कि आपका जो टायर है वो खराब होता जाता है विद द टाइम. इसीलिए तो आपने सुना होगा कि कुछ किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंसेस कवर करने के बाद हम क्या करते हैं, हम टायर को चेंज कर देते हैं, नए टायर्स लगाते हैं, वरना वो टायर्स जो है वो स्लिपरी होने लगते हैं, उसके ग्रूव्स खत्म होने लगते हैं, उसका सरफेस जो है वो प्लेन होने लगता है. ठीक है सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपसे कहे कि कोई वियर एंड टियर मुझे नहीं चाहिए, तो फॉर नो वियर एंड टियर. ठीक है, अगर हमें वियर एंड टियर नहीं चाहिए तो उस केस में हम याद रखें कि फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो. ऐसे क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दे तो आप फ्रिक्शन को कितना ले लेंगे, जीरो. या आप ये भी कह सकते हैं कि म्यू म्यू की वैल्यू को आप कितना ले लेंगे, दैट इज म्यू विल बी इक्वल टू जीरो. अगर म्यू की वैल्यू को आप जीरो ले लें तो वी विल बी इक्वल टू व्हाट, आर जी
ऊपर क्या रह जाएगा, टैन थीटा, देखो टैन थीटा टू द होल पे पावर वन बाई टू, यही तो बचेगा। तो उस केस में आप ये कह सकते हो योर मैक्सिमम लिमिट ऑफ द स्पीड एट विच यू कैन टेक अ सेफ सर्कुलर टर्न विल बी सिंपली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड जिस पर आप सेफ सर्कुलर टर्न ले सकते हो, वो क्या रह जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए? Yes, sir. हो गया भाई, सबने नोट कर लिया? Yes, sir. चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस, दिस चैप्टर इज ओवर फॉर यू नाउ। ऑब्वियसली इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी वर्क एनर्जी पावर, बट उससे पहले एक दो हम क्वेश्चन कर लें आज, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास नॉट टुडे। तो एक क्वेश्चन लिखिए, अ ट्रेन हैज टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ 400 मीटर। क्वेश्चन लिखिए, अ ट्रेन हैज टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ 400 मीटर। A train has to negotiate a curve of 400 meter. लिख लिया? Yes, sir. By how much should the outer rail be raised? By how much should the outer rail be raised? By how much should the outer rail be raised? Be raised. B-E-B. रेस्ड मतलब दो ट्रैक होता है ना, ट्रैक को रेल कहा जाता है। एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है। हाँ बेसिकली अभी आते हैं, हाँ बिल्कुल एंगल ऑफ बैंकिंग ही निकालना है। मैं एक बात बता दूं कि वो जो रेल का मतलब, ट्रैक को रेल कहा जाता है भाई, वो जो पटरियां होती हैं, रेलवे जो नाम आया है वो रेल मतलब उस ट्रैक की वजह से है, और उस पर जो चलती है उस रेल नहीं कहते, उसको ट्रेन कहते हैं। खैर, तो क्या बोला मैंने, हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेज विथ रेस्पेक्ट टू द इनर रेल फॉर ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच आउटर रेल बी रेज विथ रेस्पेक्ट टू इनर रेल फॉर ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 1 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 1 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज 1 मीटर। ठीक है, रेल के बीच का डिस्टेंस आपको 1 मीटर लेना है। आप देखो यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं पूछ के आपसे वो उसने क्या पूछ लिया है, आपसे उसने हाइट पूछा है, क्योंकि आपको मालूम है कि बैंड रोड, अभी हम लोगों ने बैंड रोड का जब केस पढ़ा था तो उसमें भी कंसीडर्ड द बैंड रोड टू बी लाइक दिस, ऑब्वियसली वन एंड विल बी एलिवेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर एंड। तो आपसे वो कहता है कि इसकी हाइट बताओ, ये कितना होगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस हाइट, और ये जो दो रेल है उसके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 1 मीटर। इन दो रेल के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, तो द सेपरेशन बिटवीन द टू रेल्स इज 1 मीटर। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए पहली बात तो एक बात क्लियर है सर, कि दो रेल के बीच का सेपरेशन इज 1 मीटर, सॉरी नॉट दिस वन, दो रेल के बीच का सेपरेशन मतलब ये एक रेल है, दूसरा रेल इसके ऊपर, इससे ऊपर उठा हुआ है, तो ये वाला होगा, ये 1 मीटर। समझ गए क्यों ऐसा हुआ भाई? अगर ये एक रेल है, ये दूसरा रेल है, तो ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इसको अगर ऊपर उठा देंगे तो ये वाला ऊपर आ गया, तो ये 1 मीटर होगा ना, ये बेस 1 मीटर नहीं होगा। अरे समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो देखते हैं, यहाँ पर जो हमें स्पीड दे रखा है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, एंड अदर पैरामीटर्स द डिस्टेंस बिटवीन द रेल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 48 किलोमीटर को आई कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। तो 48 किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ये 9 और ये 24, यही तो आएगा, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? देखो थ्री से एक बार फिर से कैंसिल होगा ना, तो कितना आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा सर 40/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और ये जो रेडियस आप मानेंगे यहाँ पर, वो रेडियस कितना है, तो रेडियस, डिड आई गिव यू द रेडियस ऑफ दिस? यस सर, अपने यस
अ ट्रेन हैज टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ 400 मीटर, मतलब रेडियस कितना है, तो रेडियस इज इक्वल टू 400 मीटर, भाई कर्व बोल दिया है ना आपसे, और कर्व के साथ तो उसने साफ साफ लिखा है कि अ ट्रेन हैज टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ 400 मीटर, मतलब ये जो है आपका रेडियस। तो हमें मालूम है सर इस केस में देर विल बी नो फ्रिक्शन बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट गिवन, और वैसे भी रेल के बीच में हम फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको मालूम है वी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर जी टेन थीटा, दिस वॉज द फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड राइट। ठीक है, अब यहाँ पर टेन थीटा, तो टेन थीटा हमें यहाँ पर थीटा निकालना है, तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो बैंकिंग का एंगल होता है वो बहुत स्मॉल होता है, ये बोला था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि आपका जो ये बैंकिंग करी जाती है, मतलब बैंकिंग का मतलब ही है ये कि एक एंड को ऊपर कर दो विद रिस्पेक्ट टू द इनर एंड, आउटर एंड को ऊपर कर दो। सर बट आपने इसमें तो कोई फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया है, तो मतलब उसमें मैं क्वेश्चन में लिखा होगा कि फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है क्योंकि आपने तो इफ फ्रिक्शन ऑफ कोर्स फ्रिक्शन इज नॉट गिवन, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट हैव टू कंसीडर एनी फ्रिक्शन इन दिस केस। अगर वो रेल में हमें फ्रिक्शन कंसीडर करवाना चाहता तो ही हैड टू प्रोवाइड अस द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एटलीस्ट, या वो फ्रिक्शन के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा जिससे हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करें। यहाँ पर उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इसका मतलब दे डोंट वांट अस टू यूज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन राइट। और या फिर क्वेश्चन में ऐसे मेंशन कर दो कि नो वियर एंड टियर इन द टायर, मतलब इन केस ये तो ट्रेन है बट इन केस ऑफ द कार अगर आपसे कह दे कि नो वियर एंड टियर इज रिक्वायर्ड, तो उस केस में आप समझ जाइएगा कि फ्रिक्शन हैज टू बी टेकन एज जीरो। ठीक है सर, अब यहां पर मैं फिर से रिपीट करूं, यहां पर एक बात याद रखिए एज थीटा इज स्मॉल, सर आपको किसने बोला है थीटा स्मॉल है, बिकॉज बैंकिंग में थीटा हमेशा स्मॉल होता है, तो एक बात याद रखना कि जब भी थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा और टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ये याद रखना भाई, जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वही टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी इफ द थीटा इज वेरी स्मॉल। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, इसका मतलब वी स्क्वायर को मैं आर जी साइन थीटा भी लिख सकता हूं। अब देखो वी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, 40/3 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू 400, जी की वैल्यू कितनी, साइन थी 10, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है एच है, हाइपोटेनियस कितना है 1 है, और यही एच आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 40 × 40/3 इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाइड बाई एच, ये 2 0 ये 1 0 कैंसिल हो गया, 1 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10 बचेगा। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी 4/30, आई होप सो, देख लेना मेरे सिंप्लीफिकेशन में कोई गलती ना हो। नहीं गलती है, एक मिनट बच्चों, मैंने एक गलती करी है, 40 का स्क्वायर 40 × 40, 3 का स्क्वायर मैंने 9 नहीं लिखा था, और ये हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड बाई एच, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 1 4 इसको कैंसिल करेगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 4, 2 5 10, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/45। अब देख लेना सही है या नहीं। सर इसमें मैं थीटा पूछा था तो वो टैन इनवर्स करके हो जाता ना। बिल्कुल डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा स्टेटमेंट में लिखता हूँ, लिखता हूँ, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके सर, क्वेश्चन ये है कि सर आपका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 300 मीटर, आपसे एंगल ऑफ बैंकिंग इज गिवन एज 15 डिग्री, और मैं यहाँ पर बता दूं कि tan 15 की जो वैल्यू है वो गिवन है आपको 0.2679, ठीक है। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द रेस कार एंड द रोड, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आप देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने दिया है। अब इसमें दो पार्ट पूछता है क्वेश्चन का, और वो पहला पार्ट सुनिए, स्पीड की वैल्यू बताओ, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, टू अवॉइड, क्वेश्चन में लिखता है टू अवॉइड वियर एंड टीयर इन टायर्स, टायर्स में हमें कोई वियर एंड टीयर नहीं चाहिए भाई, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, इस क्वेश्चन में बस मुझे एक चीज समझाना है और उसी के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। वैसे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एवरी पैरामीटर इज गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन, और सिंपली आपको यू जस्ट हैव टू प्लग इन ऑल दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला टू गेट द रिजल्ट। सीधी बात तो यही है कि आप सारे वैल्यूज को रख देंगे फॉर्मूले में, यू विल गेट द आंसर। पहले पार्ट से बेटा आप सबको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज दे हैव क्लियरली मेंशनड दैट कि दे डोंट वांट एनी वियर एंड टियर। तो अगर कोई वियर एंड टियर नहीं चाहिए तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द केस, हमें वियर एंड टियर नहीं चाहिए, तो वियर एंड टियर नहीं चाहिए तो भाई उसका सिंपल सा है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। आई बात समझ में? तो फॉर द फर्स्ट पार्ट, फॉर द फर्स्ट पार्ट आपको म्यू की वैल्यू यू हैव टू टेक इट एज जीरो, ऑल्दो म्यू है बट आपको टू सॉल्व द प्रॉब्लम यू विल हैव टू कंसीडर द म्यू टू बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू जीरो ले लीजिए, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा एंड ऑल द वैल्यूज आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, वी इज इक्वल टू आर की वैल्यू आपको गिवन है 300 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू 10 ले लो, ऐसे 9.8 लेना, ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 0.2679, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब दूसरे पार्ट में उसने कहा है मैक्सिमम स्पीड, रोड इज स्टिल बैंक्ड, रोड बैंक्ड रोड ही है, बट उसने ये मेंशन नहीं करा कि अब दूसरे पार्ट में भी वियर एंड टियर उसको थोड़ी चाहिए, वरना तो दोनों पार्ट सेम बन जाते। तो अब दूसरे पार्ट में दे आर नॉट आस्किंग यू अबाउट द वियर एंड टियर, दे आर नॉट कंसर्न विद द वियर एंड टियर, दे आर जस्ट आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्पीड एट विच दे कैन टेक अ सेफ सर्कुलर टर्न, मतलब मैक्सिमम स्पीड बताओ जिस पर सर्कुलर टर्न लिया जा सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रोड इज स्टिल बैंक्ड, तो फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग इन दिस केस विल बी इक्वल टू आर जी मल्टीप्लाइड बाई म्यू प्लस ऑफ टेन थीटा, ये लिखा था क्या, देख लेना, माइनस यू, क्या लिखा था इसका फॉर्मूला, टेन थीटा माइनस यू अपॉन वन प्लस यू टेन थीटा, टेन थीटा माइनस ऑफ यू, यस सर, अपॉन वन प्लस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ टेन थीटा, ये लिखा था ना, यस सर। अब इस पे वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको खुद ही समझाएगा कि वेदर यू हैव टू टेक द फ्रिक्शन इनटू, सर ये रूट में भी था पूरा, हां दिस विल बी होल ऑफ दिस विल बी इन रूट होल टू द पावर 1 बाय, तो वो आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि वेदर यू हैव टू टेक द फ्रिक्शन और नॉट, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं बेस्ड ऑन दीस थिंग्स, वो आप सॉल्व कर सकते हो, आई हैव ऑल दीज कॉन्फिडेंस इन यू कि आप सॉल्व कर पाओगे, एंड स्टिल इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व यू कैन आस्क इन द क्लास, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली ओवर एंड आई एम नॉट स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर टुडे बिकॉज आई कैन सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज वेरी लो टुडे, मे बी बिकॉज ऑफ देयर एग्जाम्स, तो इसलिए मैं नया चैप्टर एक नए दिन में स्टार्ट करूंगा विच विल बी वर्क एनर्जी पावर, क्लियर है बच्चों, सबने नोट कर लिया इसको, yes, sir. ओके, तो आज इतना ही, द न्यू चैप्टर विल स्टार्ट इन द ऑन मंडे, ठीक है, दैट विल बी वर्क एनर्जी पावर, थैंक यू ऑल।